उस्ताद रानी तगड़ी ड्राइवरी है, आए सन दूइयां गड्डियां करने वास्तै, लेकिन अपनी गड्डी इन्होंने उस्ताद रानी यानी कि बैक ही फंसी गई है। बाकी जनाब पूरा डब्बा एक बार फिर ये चेक करो स्लिप का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन व्यूअर्स तकड़े पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अमाद वाजिद और मैं मोहम्मद अमाद एक बार फिर से सारेंगे खुश आमदीद जनाबे वाला जिस टाइम मौजूद हूँ पोठे वाले पुल पर। अच्छा करी सकने हो बहुत ज़्यादा हालात खराब हैं पोठे वाले पुल, वो एक मोटरसाइकिल जा रहा है ठीक है, वो भी जुड़ी गया दसने चेक करी सकने पुल ने उपर जी सिचुएशन है वो क्या है। तो मसला कुछ है भाई जनाब, जिस तरह के सड़क पक्की हुई रही है, पता नहीं केड़े सानी चौसी चाहिए, अलबत् यह स्टार्ट हो रहा वर्क तो यह जड़ा ना इतना बनाए ने अगे अट्ठ चाड़िया ने इतना भराई करनी है तोड़ो तोड़ ते बाकी सड़क जी इधर को क्डिया ने तो यह रोड काफ़ी खराब हो गई है, इतना गैड़ा शाड़ा कौन ने बाया राती इतनी बारिश हुई है, हूँ गड्डिया शदीद मुश्किल कुछ उपर खलती हैं कुछ जनाब वाला इधर ना वाम शदीद मुश्किल है। तो बाकी तुझा करी सकने हालात कितने खराब होने इस रोड ने जड़ी गड्डी है ना उपरू टलिए नहीं है सौखी, लेकिन इधरों चढ़ने वास्तव बहुत मुश्किल है उसने वास्तव खास कर मोटरसाइकिल भी हो गए जड़े उत काफ़ी स्लिप वगैरह होने न। बाकी चलने अगर उपर तो उपर जल्दी चेक करने उधर कितनी कमाम है जनाब, चेक करो बच्चे उधरू पारू हैं गड्डी रात खलती थी उधर जा रही थी समाने साइड जनाब वाला गड्डी जी पारली है वह बाहर खलती थी तो रारली जनाब वाला फिर एक्सचेंज हो गया बच्चे हूँ इधर पेने पे। बाकी जनाब डब्बा उधरों आया समाने साइड तो ठीक है, तो एक जनाब मिरपुरू आया से भी इतने खलते हैं हूँ तकने भाई ये डब्बा जाना नहीं उस्ताद ने जोलिया तो सही है। बाकी जनाब पूरा डब्बा एक बार फिर ये चेक करो स्लिप का। हाँ जी बिल्कुल चेक करो जनाब डब्बा तो खास टली गया हूँ कैरी डब्बा जा रहा है। बाकी जनाब हूँ आई रही है बुकलैन वगैरह ये पता नहीं कोई क्या कसम हाले नींद आती है ने लेकिन तभी बुकलैन क्या करी किसी इतना चिकड़ है। बाकी जनाब है चेक करी बुकलैने ने ब्लेडे ना अपने को हल हो जाए ठीक है, इसने चिकड़ पासा बुकलैन गए ये जनाब जड़े ड्राइवर ने यह इन्हें ठेकेदार है अपने की ब्लो तो जनाब इतना आईसी ठीक है, तो फिर उस तो बाद कोई गेड़ा सटसी है जो भी होया उस तो बाद जनाब असा जना गड्डिया चाड़निया नहीं तो असं गड्डिया नहीं चाड़निया जाहिर है इतना स्लिप है सो नुकसान हो सकना बड़िया गड्डिया ने भी हूं तक क्या होना है। बाकी जनाब बुकलैंड आई सी सट करने वास्तव जगह यह फसी गई उन्हें ये को नहीं चलनी पी थोड़ी जी बैको नहीं निकली भी यकीन करो भाई बड़ी उस्ताद रानी तगड़ी ड्राइवरी है, आए सन दूइया गड्डिया करने वास्तव लेकिन अपनी गड्डी इन्होंने उस्ताद नहीं यानी कि बैको ही फसी गई है। बाकी जनाबे वाला एक इतना फनी जी गल हुई है कि जो ड्राइवर नजरात डब्बे वाले होने जी अज माशाल्लाह माशाल्लाह होने जी अज अगर जंज एन दुला भी वो भी इतू प्यादल जा सी वाकई ये गल है प्यादल ही जाना पे सी क्योंकि इतू गड्डी का कोई निकलना ना निशान भी नहीं ये गड्डिया बुक हो सकती। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है ठीक हो हर कि जगह तू आए हो चौकी तू तो क्या होना चाहना इन्होंने बारे जड़ा है रोड है ना कम को नहीं हो रहा इतना वाम हस्पताल हुई है ताई दर्जे ना दुख और अफसोस लगना है बिल्कुल कि जड़ी है इंतजामिया और खास कर ठेकेदार लापरवाही ना मुजारा कर बिल्कुल ऐसी बात है ठीक है ये वाला इन्हें चाहिए ना कि जल्द अज जल्द कम करना है खास कर ये मुसाफिर कितने परेशान हो रहे हैं बिल्कुल ये वाला चेक करो कितने मुसाफिर इन्हें चाहिए ना कि खास कर ये रुकावट भी सब तो पहले दूर करनी चाहिए बिल्कुल ये जजाकला जजाकला। बाकी जनाब चेक करो उपरे तक भी डब्बे शब्बे उधर भी खाते
सुबह आनी पहली कार चढ़नी है तकरीबन 10 बजे ना, ठीक है, चेक करी सकने बाकी व्यूअर्स। बाकी जनाबे वाला हूँ सटने के इतना खाका जा, ठीक है भाई, चिकड़ा जरा थोड़ा जहा कम हो। इस डब्बे की वजह पूरी ट्रैफिक जाम हुई सी, ये डब्बा ऑन करा नहीं रिवर्स तो इसी करा रहे कर सन, फिर जनाब है हाका वगैरह बसने तक और बने भी पेन, फिर हाका वगैरह बही दे तो फिर इंशाल्लाह जितनी भी ट्रैफिक है ये भी तो मुड़ता ऊपर भी सारी जनाब फिर ओपन होई जैसी इंशाल्लाह। जूम नहीं करना भाई, नमान साहब बोलो इंटरव्यू हूं मिगी दियो इजाजत मिलसा होनी किस तू अच्छी वीडियो नाल, क्योंकि अज हूँ पता नहीं क्या लाए जनाब गड्डिया वगैरह निकल सन, बाकी हुकूमत की भी चाहिए ना जी जो ठेकेदार वगैरह न यह खास करिए रोड तो इतना शार्ट अपने तो फायदा करने मरिया, चलो असने फायदा कम करा रहा, लेकिन मुड़ते उल्टा असों की नुकसान है क्योंकि गड्डिया सुबानी चेक कर सकते फसी हैं तो इन्होंने कोई हाल नहीं है कि यह निकलन या इन्होंने कोई सीन सारा क्लीयर होवे, यानी कि ईजीली जाई सकन, हालांकि उतू नहीं कहना क्योंकि इतने तक रोड पक्की करना कोई इतना इन्होंने वास्तव मुश्किल कम नहीं है, अगर कंक्रीट भी करी ओड़न यकीनन अगर 6 महीने लगना नहीं सी काम तो 6 महीने जनाब वाला वाम इस तरह हस्ताल हो रही सी, कोई नहीं जनाब इस काम वगैरह करना तो बाकी मिलसा होनी किस तू अच्छी वीडियो ना उस तक सारे दुआ में याद रखे, अल्लाह सुनने वाला है, जजाक अल्लाह अल्लाह ने कमा।